YouTube चैनल भोसनपुर जोन में। जी हाँ दोस्त, आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आज हम बताएंगे हमारे दिव्यांग साथियों को कि अगर उनके पास एक करेक्ट, एक वाकई में अच्छा विकलांग प्रमाण पत्र है तो उनको कितनी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेगा, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसी को विस्तार रूप से बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अन्यथा आप फिर कमेंट्स करेंगे कि सर ये फिर वो, क्योंकि हम इसमें टोटल डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे दिव्यांग साथी वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप अपना जो भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या फिर जो लोग बनवा लिए हैं उसमें ये ज़रूर देख लें कि उसमें परमानेंट मेंशन कर रहे हैं या नहीं, या फिर जिन लोगों का टेम्पोरी मतलब ठीक हो जाने वाला है उसमें टेम्पोरी शो कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के बेस पे आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा इसी की वजह से मिलेगा। अब इसमें सबसे अहम भूमिका है जो दिव्यांग सर्टिफिकेट से जो बनेगा यूडी आईडी कार्ड जो है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये है तो आपको हर एक योजना का लाभ मिलेगा, अर्थात नहीं है तो नहीं मिलेगा। आने वाला स्थिति यही बता रहा है, क्योंकि कितनी जगह से हमने देखा दिव्यांगजन का हमारे पास मैसेज आया, वीडियो आया, फोटो आया, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ कि एक नॉर्मल जो आप कंसेशन सर्टिफिकेट ले घूम रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, न रेलवे में न कहीं पर, कूड़े में फेंक दिया जाएगा। इसलिए जो हम बात कर रहे हैं उस पर आप विचार कीजिएगा और उसको पालन करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग सबसे पहले ID कार्ड बनवा लीजिए, जिनके पास करेक्ट दिव्यांग प्रमाण पत्र है, अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है तो सबसे पहले उसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आया कि सर हमारा मिस्टेक है, तो पहले मिस्टेक सुधार कीजिए फिर ID कार्ड बनवा लीजिए। ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़। अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आपको फर्स्ट बता देते हैं कि अगर आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर करेक्ट है तो पहली चीज़ कि आपका पेंशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी जिस प्रकार से, जिस सरकार का रूल रेगुलेशन के हिसाब से पेंशन मिलता है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ कि आपको कंसेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उसके माध्यम से आप रेलवे प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, जिसके माध्यम से 5 साल तक, मतलब समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कीजिएगा, मतलब 20-25% आपका लगेगा, बाकी 100% में से 20-25% लगेगा आपका, बाकी सब छूट होगा। तो दूसरी फ़ायदा ये हुआ। तीसरी फ़ायदा ये है कि आपको इंदिरा आवास मिलेगा, इंदिरा आवास मतलब घर बनाने का पैसा। तीसरी फ़ायदा ये हुआ। चौथी फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको सरकार की तरफ से मुआवजा के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि, 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये अलग अलग स्टेट के हिसाब से देता है स्टेट, अगर दोनों, अगर आप लोग पति पत्नी हैंडीकेप हैं तो। ये रहा आपका फ़ायदा। उसके बाद वाली जो फ़ायदा है अब आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले राशन मिलेगा, सबसे पहले अगर आप पास करवाते हैं तो सबसे पहले आपको राशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं अपने क्षमता के अनुसार, तो आपको ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के तरफ से आपको 1 महीने के लिए जो कंसेशन वाला पास होता है आपको पास मिल जाएगा, आप आसानी से जर्नी कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे। उसके बाद आपको कहीं भी बेहिचक बेझिझक कहीं भी अपने हक के लिए आप लड़ सकते हैं, अगर आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र करेक्ट है तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, अगर कोई उठाता है तो आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र में दम है, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोन देगी गवर्नमेंट, आपको बैंक से ना लेके
अभी बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर से लोन मिल रहा है, 50,000 लाख रुपये, 25,000, 30,000। आप छोटा सा शुरुआत कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार छोटा से बिजनेस में रुचि देकर उसको डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद वाली फ़ायदे, अब भाई आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट फ़ायदे बताते हैं। जैसे हमने बोला था ईडी आई डी कार्ड बनवा लीजिए, उसके बिना हम लोगों की लाइफ अधूरी है। वो कैसे, आपको ये ऐसा होगा कि अगर आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल करते हैं या फिर किसी ज़रूरी माध्यम से ही जाते हैं, किसी ज़रूरी कार्य से जाते हैं, तो जिस भी माध्यम से आप सफ़र करेंगे उसमें आपको छूट मिलेगी स्पेशली। उसके साथ साथ सरकार का बहुत सारा योजना है जो दिव्यांग जन को इंडिकेट करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्कूटी है जो दिव्यांग जन के लिए गवर्नमेंट वितरण करता है, देता है दिव्यांग जन को फायदे के लिए, उनके हेल्प के लिए या फिर उनके जीवन यापन के लिए। अब आइए आपको बताते हैं कि जैसे हमने ईडी आई कार्ड के बारे में बताया था, तो उसकी जो फ़ायदे हैं किस प्रकार से, सभी योजनाओं का फुल लाभ उसी के माध्यम से मिलने वाला है, क्योंकि आने वाला साल भर 6 महीना जब ये अलाउ कर दे कि इसके बगैर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप ईडी आई कार्ड बनवा लीजिए। दोस्त आपको हम बता दें कि ईडी आईडी कार्ड एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से आपकी टोटल जानकारियाँ और टोटल लोकेशन के साथ साथ टोटल डिटेल्स, टोटल डॉक्यूमेंटेशन और आपकी पूरा फुल डिटेल्स, फुल जानकारी उसी में निहित होगा ईडी आईडी कार्ड में। क्योंकि जब ईडी आईडी कार्ड बनता है तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स उसमें डिटेल्स ले लेता है और आपकी पूरा ब्यौरा ले लेता है, और यहाँ तक कि आपका एक एक मतलब हर एक चीज़ डिटेल्स में ले लेता है, जिसके माध्यम से आपको कभी भी ट्रैक कर पाएगा और आपको देख पाएगा कि आपको कौन सी लाभ मिल रहा है और कौन सी लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर आपके पास एक सही दिव्यांग प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र होने के साथ साथ ईडी आईडी कार्ड है, तो आप समझ लीजिए कि लाइफ में कुछ स्ट्रगल मतलब परेशानी हम लोगों के साथ कम हो जाएगा। ऐसे तो सरकार परेशान कर ही रही है, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग को किसी के पास ज़्यादा सिफारिश लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस चीज़ को हमने बोला है उस पर आप लोग विशेष ध्यान दें। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए या फिर जिन लोगों का नहीं बना है या फिर जिन लोगों का गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, या अगर और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर और भी कोई टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे राय ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर दें और आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये जो तमाम चीज़ें हमने जो बताया है ये सभी आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे लाभ मिल पाएंगे अगर आपके पास सही दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा। तभी आपको नहीं मालूम है कि अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप हर ट्रेड में है, चाहे आप आईटीआई कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, पीएससी कीजिए, बीपीएससी कीजिए, कुछ भी कीजिए, हर ट्रेड में। यहाँ तक कि अगर आप फॉरेन में जाकर पढ़ाई करते हैं उसमें भी स्कॉलरशिप है, हर जगह है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं वहाँ भी है। अगर आपके पास एक वाकई में रियल हैंडीकेप, अगर साथ पूरा फुल डिटेल्स के साथ अगर आपका सर्टिफिकेट है, तो आपको इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट है उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट है अगर रोंग है तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा फेस हमने कर चुका है। और उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे मैसेज आता है कि सर हमारे साथ ये परेशानी है, हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी उलझन में ना फंसे और ऐसी उलझन से बाहर निकले। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग अपना जो सर्टिफिकेट है उस पर विशेष ध्यान दीजिए
और जो भी मिस्टेक है पहले उसको सुधार करवाइए, उसके बाद यूडी आईडी कार्ड बनवाइए। अगर जिनके करेक्ट है वो यूडी आईडी कार्ड जल्द ही अप्लाई करें। अगर नहीं मालूम है तो हम यूडी आईडी कार्ड का वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी दो दो ठो। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई।